लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रभु, हम दोनों अश्विनी कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप दोनों का कल्याण। हमने आप दोनों को यहाँ एक आवश्यक कार्य के लिए बुलाया है। श्रवण ऋषि और देवी सुकन्या हमारे परम भक्त हैं। हम चाहते हैं कि आप श्रवण ऋषि को दृष्टि और यौवन लौटाकर देवी सुकन्या की मनोकामना को पूर्ण करें। जो आज्ञा देव आदित्य। परंतु इससे पहले आप लोगों को देवी सुकन्या के सतीत्व की परीक्षा लेनी होगी। वो कैसे महेश्वर? इसका निर्णय तो आप लोगों को करना है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, इस परीक्षा से देवी सुकन्या के सतीत्व और गौरव का अपमान न हो। ऐसा ही होगा देवादिदेव, हम आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। आप दोनों का कल्याण। पता नहीं कि ये एक स्त्री के नहाने का स्थान है। परंतु हम तो आपके कल्याण के लिए उपस्थित हुए हैं देवी। हम आपके लिए एक दिव्य संदेश लेकर आए हैं देवी। दिव्य संदेश? कैसा दिव्य संदेश? तुमने एक वृद्ध और दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ विवाह किया है जो तुम्हारे रूप और सौंदर्य का उपयोग नहीं कर सकता। सावधान दिव्य पुरुषों, मैं अपने पूज्य पति के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना महापाप समझती हूँ। शांत शांत देवी, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पति को उनकी दृष्टि पुनः प्राप्त हो? यदि तुम्हारे व्रत पतिदेव को पुनः यौवन प्राप्त हो जाए तो। ये आप दोनों कैसी पहेली बुझा रहे हैं, क्या ये संभव है? यदि तुम चाहोगी तो हम इसे सत्य करके दिखा सकते हैं। परंतु तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। यदि वो बात धर्म और मर्यादा के विरुद्ध नहीं है तो मैं उसे अवश्य मानूंगी। हम तुम्हारे पतिदेव को दृष्टिवान और यौवन संपन्न बना देंगे। हमारी दिव्य शक्ति यह चमत्कार कर दिखाएगी। परंतु क्या दिव्य पुरुष? तुम्हारे पति को दृष्टि और यौवन प्रदान करने के पश्चात हम दोनों भी तुम्हारे पति के रूप में उपस्थित होंगे। तुम्हें पहचान करनी होगी कि हम में से तुम्हारा पति कौन है। यदि तुमने अपने सतीत्व के बल पर इसमें सफलता प्राप्त कर लिया तो तुम्हारे पति को सदा सदा के लिए उनकी दृष्टि और यौवन पुनः मिल जाएंगे। मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी बात स्वीकार नहीं कर सकती। हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है देवी। तुम अपने पति से आज्ञा लेकर आओ, हम यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा दिव्य पुरुषों। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, सुकन्या ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है यह आपसे छुपा नहीं है। उसके इस त्याग का प्रतिदान आप अवश्य देंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु। सुकन्या, क्या बात है देवी सुकन्या? स्वामी, दो दिव्य पुरुष हमारे सरोवर के सम्मुख प्रकट हुए हैं। वे कहते हैं वे आपको दृष्टि एवं यौवन प्रदान करने आए हैं। ये तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। परंतु उन्होंने विचित्र मांग रखी है। कैसी मांग? वे कहते हैं
वे दोनों आपका रूप धारण कर सरोवर के बाहर निकलेंगे और आप तीनों में से किसी एक को मुझे पति रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हारा सतीत्व तुम्हें सच्ची दृष्टि प्रदान करेगा देवी। तुम अपने आप पर संदेह ना करो। चलो चलो मुझे वहां ले चलो। आइए स्वामी। चलो आइए। चलो समझे स्वामी। देवी सुकन्या। स्वामी। सुकन्या। स्वामी। सुकन्या। सुकन्या। स्वामी। तुम सचमुच सती हो देवी। कोई भी पुरुष तुम्हारे सतीत्व को चुनौती नहीं दे सकता। सुकन्या, यह तुम्हारे सतीत्व का ही चमत्कार है। भगवान शिव ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है सुकन्या। हमारी मनोकामना पूर्ण की है। शिव आज्ञा से हमने देवी सुकन्या की परीक्षा ली और अपना कर्तव्य पूर्ण किया। ऋषिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। ऋषिवर, आप दोनों का कल्याण हो। शिव शंकर। स्वामी। सुकन्या। 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 हे प्रभु। चलो चलो। हे शिव शंकर। प्रभु 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 प्रभु। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। स्वामी उठिए। स्वामी प्रभु उठिए। स्वामी उठिए। स्वामी प्रभु प्रभु स्वामी। सुकन्या 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 प्रभु। स्वामी, शिव शंकर ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। स्वामी पूर्ण कर दी।